हरे कृष्णा, श्री श्री बद्रीनाथ धाम की जय। तो ये सामने है बद्रीनाथ जी का मंदिर, जिसके हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये हिमालय पर है और ऊपर जो है ये जो बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये नारायण पर्वत है और ये नर पर्वत है। तो ये साक्षात कृष्ण और अर्जुन के प्रतीक हैं। और ये नीचे जो शिला हम देख पा रहे हैं, ये शिला है नारद शिला। तो नारद जी ने यहीं पर ही स्कंद पुराण के अनुसार कई हजारों वर्षों तक यहाँ तपस्या की और निर्जला रहे। केवल वायु उन्होंने ग्रहण की, बाकी निर्जला रहे। तो हमारा भी सौभाग्य कि हमने इस स्थान पर अपना एक दिवसीय निर्जला एकादशी का फास्ट आज समापन किया। तो भगवान की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर। और इसी शिला के बाद ये जो हम देख रहे हैं तप्त कुंड, इसका अभी हम लोग थोड़ा पास में जाकर एक क्लोजअप और लेने वाले हैं। तो इस तप्त कुंड को क्षीर सागर भी कहा जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ जी पहले इसी तप्त कुंड के अंदर थे। तो ये सामने जो लिखा हम पढ़ पा रहे हैं तप्त कुंड, इसी जो झुकी टाइप बना हुआ है कॉटेज टाइप, तो इसके अंदर जो एक छोटा सा कुंड है जिसमें गर्म पानी निकल रहा है नारद जी के तप के माध्यम से। तो उस कुंड के अंदर, उस कुंड को क्षीर सागर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बद्रीनारायण उसी के अंदर ही अनादिकाल से वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तो ये जो कथा है ये स्कंद पुराण में प्राप्त होती है। सामने बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी यहाँ पर स्थान पर आए और इस तप्त कुंड से उन्होंने बद्रीनारायण को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर इस मंदिर में स्थापित किया। और ये जो है सामने आप नदी देख रहे हैं, हम इस पवित्र नदी के दर्शन कर पा रहे हैं, ये है अलकनंदा, जो कि आगे हिमालय की गोद में से वहाँ से अलकापुरी, जो एक कुबेर की राजधानी है, धन के राजा कुबेर उनकी नगरी है अलकापुरी, वहाँ से आ रही है पवित्र नदी अलकनंदा। तो हम देख पा रहे हैं कितना तेज इस अलकनंदा का प्रेशर है। और साथ ही हम देख पा रहे हैं इस पर्वत में से ये गर्म पानी भी निकला जा रहा है। श्री बद्रीनाथ धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।